मुझसे प्यार करते हो? बोलो कि मेरे बिना मर जाओगे? सूर्या! इनको बचाने के लिए कम से कम 16 ऑपरेशन प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, जिनमें 4 ऑपरेशन सिर्फ अमेरिका में ही पॉसिबल है। मुझे लगता है इतना सब आपके बजट से बाहर चला जाएगा। अगर आप पेशेंट को इस हाल में छोड़ते हैं तो कम से कम आप तो खुश रह सकते हैं। सच को छिपाना और झूठ बोलना दोनों एक ही बात है अंकल। सच आग की तरह होता है और झूठ कर्जे की तरह। एक चीज तुम्हें जलाएगी और दूसरी तुम्हारा पीछा करेगी। इस पर खुद ही विचार करो। गौतम, तुम थे क्या? आओ अंदर आओ, प्लीज आकर बैठो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ होगे। आओ प्लीज यहाँ आकर बैठो। हेलो हेलो माँ, कहाँ हो तुम? बस स्टैंड पर। गौतम मिलने आया है। सच में? मैं कंफ्यूज हो गई हूँ माँ। क्या वो अकेला आया है? हाँ, जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ, अरे तुम कॉफी पीना चाहोगे? मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं इशारा समझती हूँ। मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूँ। टीवी काम कर रहा है, तुम जाकर देख सकते हो। गौतम, जब तक कोई घर पर नहीं आ जाता मेरी परछाई को भी हाथ मत लगाना, मैं बुरा मान जाऊंगी। कॉफी ला रही हूँ। ये लो। अरे उसे लगता है जैसे इसमें भी जान है। उसे पता नहीं कि उसका साथी बेजान है और ना ही उड़ सकता है, बेचारा। मिस्टर सूर्या अभी भी जिंदा है, यह सच है। तुमने कहा कि इतना बोलने की तुम्हें हिम्मत नहीं है, फिर सच्चाई का सामना कैसे किया तुमने? यू नो वन थिंग गौतम, तुम्हारी मुस्कुराहट कभी कभी किसी को रुला भी सकती है। क्या होगा अगर मैं दुना फिर से सूर्य का जाप करने लगे तो? क्या तब भी तुम इसी तरह मुस्कुरा पाओगे? हे गौतम, ये हार जाने वाली चीजें नहीं होती हैं, ये तुम्हारी लाइफ है, लिव इट। हम्म।
जाओ 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 यहाँ क्या कोई नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से, और पापा जाओ इसे, कोई जाओ जल्दी, समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं दे रहा, चलो दंगा हो रहा है। अरे नहीं छोड़ सकते हम, तो बोला ना। सच बताना बाबा, क्या सूर्या जिंदा है? एक बाप के तौर पर मैंने खुद को बर्बाद कर लिया। सच कहूं तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो सकता हूं। मुझे केवल सच सुनना है। इनको बचाने के लिए कम से कम 16 ऑपरेशन प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, जिनमें 4 ऑपरेशन सिर्फ अमेरिका में ही पॉसिबल है। मुझे लगता है इतना सब आपके बजट से बाहर चला जाएगा। मुझे पता है अपनी बेटी को कैसे बचाना है। चलिए ना, हमारी बेटी को कहीं और नहीं चलते, चलिए। ये लोग कह रहे हैं उसे इसी हाल में छोड़ दे, क्या कह रही है समझ में आ रहा है आपको? मैंने उसे 9 महीने अपनी कोख में रखा। मैं नहीं जानता आप कौन हैं, जीती जी मैं मर रहा हूँ। मुझे आपके पैरों में पड़ा रहना चाहिए, जो आपने बिना रिश्ते के इतना बड़ा खर्च उठाया। अगर आपको आपत्ति ना हो तो रिश्ता भी बन सकता है, बस आपकी बेटी बच जाए। मेरा प्यार मेरी किस्मत बन गया है, वही मेरे लिए सब कुछ है। भाई आईसीयू कहां पर होगा? ऊपर वाले ने मेरे हाथों से फैसला करने का हक छीन लिया। कौन पिता चाहेगा कि उसकी बेटी की डोली की जगह उसकी अर्थी उठे? लेकिन मैं बेबस हूं। आपको मुझे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। जितनी जल्दी हो सके शादी फिक्स कर दीजिए पापा। Hmm.